अच्छा, आप सिर्फ लास्ट मैं कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, आप ये बताएं कि इस सारे के ऊपर मुस्लिम उम्मा जिसको हम कहते हैं और जो गल्फ के मुस्लिम रियासतें हैं, वो उनका क्या रिएक्शन आपको लग रहा है कि उनका रिएक्शन ठीक है अभी तक? यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक इंटरनेशनल व्यू मैं चाह रही हूँ कि आप दें कि अब तक उसके ऊपर क्या देखिए डेवलपमेंट हो देखिए, सकी है। पहले तो मैं बताऊं आपको जल्दी से कि अक्वाम मुत्तहिदा जो में के दो अदारे हैं जहां पे इस किस्म की बातें होती हैं। एक तो सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी बेसिक जिम्मेवारी है पीस एंड सिक्योरिटी। वहां पे जी तो 3 मरतबा अफ्रीका ने वीटो कर दिया करारदाद को, हालांकि ठीक है वो करारदाद फ्रांस ने पेश की थी, लेकिन ठीक है अमरीका ने उसको वीटो कर दिया 3 मरतबा, क्योंकि परमानेंट मेंबर जो होता है वो ना कर दे तो वीटो हो जाता है, करारदाद आगे नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद इन मुल्कों को चॉइस होती है वो जनरल असेंबली में मामले को ले जाए। वहां ओके पे वीटो नहीं हो सकता, वहां पे तकरीरें होंगी, करारदाद एक मंजूर की जाएगी, उसमें वोटिंग होगी। जब वोटिंग होगी ना तो वहां पे पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। तो ठीक है आपको ये मैं बताऊं, जरा पीछे थोड़ा ले जाओ, अफगानिस्तान पे जब रूस ने कब्जा किया था तो वहां पे भी जब सिक्योरिटी काउंसिल में मसला जाता था तो रूस वीटो कर देता था, लेकिन जब जनरल असेंबली में जाता था तो वहां पे वोटिंग क्या होती थी, 210 जो हैं वो कह रहे हैं, ममालिक कह रहे हैं कि रूस को निकल जाना चाहिए, और 6 ममालिक जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है वो कहता था कि नहीं निकलना चाहिए। तो लेकिन वहां पे कोई एब्सटेन भी कर जाते हैं, आप देखेंगे यहाँ भी बहुत सारे एब्सटेन करेंगे। आपने मुस्लिम उम्मा की बात की थी कि मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप तकसीम कर सकते हैं और तकसीम कर सकते हैं। एक तो आप तकसीम साफ साफ कर सकते हैं अरब ममालिक और नॉन अरब मुस्लिम। जो नॉन अरब मुस्लिम ममालिक हैं वो डट के फिलिस्तीनियों की तरफदारी कर रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, और भी जो नॉन अरब हैं। ठीक है जो अरब हैं ये इनमें दो हिस्से हैं, एक जिसको अरब वर्ल्ड हम कहते हैं, एक है हुक्मरान अरब वर्ल्ड, दूसरे हैं अवाम सड़कों के ऊपर। ठीक जो है ठीक सड़कों के ऊपर अवाम है वो फिलिस्तीनियों के साथ हैं, जो हुक्मरान हैं वो इसराइल के साथ हैं, क्योंकि ये खुद भी मॉडर्न यहूदी बन चुके हैं, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, या कोई भी हो, क्योंकि इनकी वही आते हैं पैसे से प्यार, पैसे को पूजना, और वो अपने उस पैसे को बचाने के लिए फिर ये हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ना कोई इनकी इज्जत है, ना इनका कोई वकार है, ना इनको कोई अपना ख्याल है किसी चीज का। आप भी आज के वक्त तक ना सऊदी अरब ने ना यूएई ने कंडेम किया है इसराइल को। यूएई ने तो बोले बात ही नहीं की ना, सऊदी अरब ने ज्यादातर ये कहा कि लड़ाई बंद हो जानी चाहिए। भी लड़ाई तो बंद होती है दो बराबर के लोगों में। तो ये जी बहुत बहुत ही बुरे लोग हैं। और मैं तो देखिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी यही होनी चाहिए, आप किसी मुल्क के साथ ऐसे लड़ाई तो नहीं करते, चूंकि आपके अपने मफादात होते हैं, लेकिन आप इनसे, ये लोग जो हैं जिस तरह के इनके ख्यालात हैं के हुक्मरानों के, इनसे आप परे ही रहें तो बेहतर है। आप कल्टीवेट करें, ताल्लुकात बढ़ाएं नॉन अरब मुसलमान ममालिक जैसे ईरान और तुर्की और मलेशिया है इनके साथ। ठीक। थैंक यू डॉक्टर फारूक उस्ताद, आज हमने बहुत ही कोशिश की है कि एक इसको एकेडमिक के साथ साथ एक ओवरव्यू भी हम इसका वैसे भी जनरल आवाम के लिए भी दे सकें ताकि उनको भी इस सारे तराजू की जो मैं समझ आए। जी आखिर में मैं ये कहूंगा कि हमने वो नुक्ते उठाए हैं, ये ख्याल रहे सुनने वालों को, जो आम तौर पर नहीं अखबारों आते। में या डिबेट्स में नहीं आते, हमने वो उनको भी टच किया। और बहुत ही अहम बात है जो आम तौर पर हम लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, जो हुकूमतें इस किस्म का जुल्म करती हैं उनको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, वो एक बंकर स्टेट बन जाती हैं। उनके अवाम जो है वो तहखानों में जाकर छुप जाते हैं कि अभी को गोली आई, अभी को बम आया, अभी को गोली आई, हर वक्त वो डर में गुजारते हैं। जब वो डर के गुजारते हैं तो वो उनके अंदर जो उनके सोशल फैब्रिक है उसमें तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। उनकी जो फौज है इसकी ट्रेनिंग ये नहीं होती कि वो हर वक्त देखे दरख्त के पीछे से गोली आ रही है, मकान के पीछे से, वो भी उनमें भी तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसराइल को ये ख्याल रखना पड़ेगा ध्यान, कि अगर वो जुल्म बढ़ाते जाएंगे तो उनका अपना माशरा भी तोड़ फोड़ का शिकार होना शुरू हो जाएगा। हमने अल्जीरिया में देखा, ये हमने साउथ अफ्रीका में देखा।
अल्जीरिया में तो ये गई थे, फ्रांस गया था कि ये हमारा हिस्सा है, उसको जम कर लिया हमने, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सके वो हर, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाती है ना, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, साउथ अफ्रीका में सस्टेन नहीं कर सके, एक एक लेवल आती है कि आप अंदर से टूट फूट का शिकार हो। जी शुक्रिया। आप देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस तनाजे की तरफ क्या डेवलपमेंट होती है, इसको किस तरह रोका जा सकता है, कि इंटरनेशनल बिल्ड किया जा सकता है प्रेशर या नहीं किया जाता कि इसराइल अपनी इन जारहाना कार्रवाइयों से जो है वो बाज आ जाए, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अलबत्ता एक हीटेड डिबेट इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मीडिया के अंदर इस वक्त जारी है, जिसका पूरा प्रेशर है कि इसराइल अपनी इन कार्रवाइयों से बाज आए और फलस्तीन के लिए एक सपोर्ट ग्रुप जो है वो क्रिएट किया जाए।